यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी दिल्ली से बाहर भी आया करो, तो दिल्ली से बाहर हमारा आना हमेशा ही होता है। और आज दोबारा से हम आपको लेके आए हैं ऑटो एम्पायर पे, क्योंकि कल हमने आपको दिखाया ऑटो एम्पायर डीलरशिप का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक। तो आज भी स्टॉक में बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और कुछ हैचबैक कैटेगरी की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, और कुछ सेडान भी है, और कई एसयूवी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो सारी गाड़ियों की डिटेल जानेंगे प्रशांत भाई के साथ, और जानेंगे कि आज ऑटो एम्पायर के जो स्टॉक में गाड़ियाँ हैं वो कितनी स्पेशल होने वाली हैं, और कितने ही पैसों में आती हैं वो गाड़ियाँ, क्योंकि सारे भाइयों का ड्रीम करवाना है पूरा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है दोस्तों उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ये इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, क्योंकि बहुत सारी बिहाइंड द स्टोरी और बहुत सारी गाड़ियों की अपडेट अब मैं आपको सीधा इंस्टाग्राम पे ही देता हूँ। तो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आप जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउटआउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पे बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउटआउट गोज टू शशांक दुबे, थैंक यू सो मच भाई कि आपने माय कंट्री मैरिट की वीडियो पे कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आज ऑटो एम्पायर के स्टॉक में कौन कौन सी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका स्वागत है ऑटो एम्पायर पे। आज दोबारा से हम गुड़गांव के अंदर, और मौसम हो चुका है बहुत ही बेहतरीन, और इस बेहतरीन मौसम में हम आपको दिखाएंगे बेहतरीन गाड़ियाँ। और हमारे साथ दोबारा है हमारे भाई प्रशांत भाई फ्रॉम ऑटो एम्पायर। क्या है भाई, सारे भाइयों को हेलो कर दो। हेलो। कल हमने काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखाया, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमने कवर करी। आज दोबारा से स्टॉक में काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो थोड़ी लो रेंज भी होने वाली हैं। बिल्कुल, आज हमारी जो कैटेगरी है वो मेनली सेडान्स है। ओके। और हैचबैक है। हैचबैक है, तो पहले कौन से कर रहे हैं? पहले सेडान से शुरू करते हैं। तो पहले करते हैं सेडान से। लेफ्ट हैंड साइड में दो सेडान खड़ी हैं, दोनों एक ही गाड़ी हैं। तो अब चलिए वहाँ लेके चलता हूँ आपको। अब सबसे पहले जो हम सेडान कर रहे हैं, ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट गाड़ी होती है सेडान। सर, मारुति की गाड़ी है। हाँ। और सियाज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी। सही बात है। ये देखो, सियाज का दोनों कलर है, ये कलर भी झकास लगता है, और ब्लैक में भी अवेलेबल है। और दोनों की डिटेल जानेंगे, सबसे पहले ब्लैक करते हैं। प्रशांत भाई, ब्लैक की क्या डिटेल है प्रशांत भाई? सर, ये 2014 ओके ZDI प्लस। ओके। डीजल में है गाड़ी। डीजल में गाड़ी। हाँ। कितनी ड्रिवन होगी ये? 65,000 चली हुई है। ओके। सिंगल ओनर कार है, और एक कार HR नंबर की है। HR नंबर गाड़ी है। सियाज वाकई 10 लाख प्लस आती है मेरे ख्याल। हाँ जी, ZDI मॉडल तो उससे ऊपर का है। उससे ऊपर आता है। आप कितने में दोगे? सर, मेरे पैसे बहुत छोटे हैं, ताकि हमारे हर कस्टमर जो है आपके थ्रू जो आता है वो उसको अफोर्ड कर सके। ये सिर्फ 5,40,000 की। 5,40,000 की। और मॉडल था ये 2014 मॉडल है। 5,40,000 की आपको सियाज मिल जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छी डील है। अब उसके साथ दूसरी करते हैं, और जानते हैं कि क्या ये इससे ऊपर आएगी या नीचे आएगी, वो देखते हैं। प्रशांत भाई बताएंगे। थोड़ी ऊपर आएगी ये ZDI से ऊपर है। दिस इज इन पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल, वो डीजल थी? वो डीजल है, ये पेट्रोल है, और ये VXI है। ओके। सिंगल ओनर, ठीक है, और ये दिल्ली नंबर की गाड़ी है। और इसकी खास बात ये है कि सिर्फ 23,000 किलोमीटर चली है विद सर्विस रिकॉर्ड। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये उससे तो बहुत ही कम चली है। हाँ, ओनली 23,000। 23,000 गाड़ी चली है। अब ये मॉडल थोड़ा पहचाना मुश्किल है, फिर भी आइडिया लेके चलता हूँ। क्या 14 मॉडल होगा ये? ये 15 मॉडल है। अच्छा, एक साल ऊपर चलेंगे, देख लो। 15 मॉडल है, तो उसके थे 5,40 जी। क्या कहते हो? सर, ये मॉडल 15 है प्लस चली कम हुई है, तो गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है किसी भी एंड कस्टमर के लिए। हाँ। कम चली गाड़ी एक प्रीमियम कार की तरह हो जाती है, कि भाई उसकी पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। ये गाड़ी का रेट है ओनली 6 लाख। 6 लाख में आपको मिल जाएगी, लेस ड्रिवन भी CS 15 मॉडल। अब इसकी प्रोफाइल अगर आप देखोगे, मिस्टर व्यास साइड से दिखाएंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि दिखती कैसे। कुछ भी आफ्टर मार्केट है इसमें? कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है, एज इट इज ओरिजिनल, जैसे कंपनी से आती है बिल्कुल वैसी है। व्हील कैप्स भी वही है, अंदर इंटीरियर भी वही है। ओके। बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे कंपनी देती है वैसी है। ये दोनों मैनुअल गाड़ियाँ हैं? मैनुअल है, दोनों है मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो अभी सेडान कैटेगरी कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आप कहाँ लेके चल रहे हो? अब उसके बाद हमारी फेवरेट होंडा सिटी से। लो जी, होंडा सिटी यही गाड़ी है, वाइट कलर में। वाइट कलर तो सबका फेवरेट होता है। अच्छा, होंडा सिटी वाकई आपसे जानना चाहूँगा जी, एज कम्पेयर टू सियाज, इसकी एवरेज उसकी एवरेज में कितना डिफरेंस रहता होगा? नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रांड जो चलता है वो मारुति का है, या तो फिर गाड़ियों में सेडान में, या फिर होंडा सिटी है। बहुत बढ़िया, ये दोनों सबकी फेवरेट है। ये क्या मॉडल है? ये 2012 मॉडल है। 12 मॉडल है, और दिस इज वी वेरिएंट। ओके। मैनुअल का टॉप मॉडल है। वेरी गुड जी। सिंगल ओनर कार है। अच्छा। 71,000 चली हुई है, इंश्योरेंस वैलिड है। ठीक है। गाड़ी कंप्लीट है, और ये HR नंबर कार है। अच्छा, कंप्लीट है, मतलब गाड़ी मतलब लेनी है और सिर्फ कुछ नहीं कराना है इसके अंदर आपने, सिर्फ पेमेंट करनी है। टायरों की हवा भी हमने भरवा के रखी है, आपने हवा भी नहीं भरवाई। या डीजल तो डलवाना ही पड़ेगा। पेट्रोल है। अच्छा, ये पेट्रोल है।
ये पेट्रोल है पेट्रोल भरवा देंगे लेकिन गाड़ी दे के बेचेंगे आपको, तो पैसे जानते हैं इसके। सर इसके हैं ओनली 4,15,000, 4,15,000 में होंडा सिटी टॉप मॉडल मैनुअल का मिल जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो अब चलते हैं आगे, मेरे ख्याल सेडान कर रहे हैं तो ये भी सेडान कैटेगरी की है। सब सेडान है। ये कौन सी है? ये थर्ड ब्रांड आता है हमारा जो सबसे फेवरेट है। अच्छा, एक एक दो तीन हो गया मैं, टोयोटा होंडा और सियाज, ये तीन ऐसे ब्रांड है जो हर एक कोई फैमिली के लिए चाहता है और रिलायबल ब्रांड है। कहते हैं टोयोटा की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो रहती है। बिल्कुल, ये टोयोटा हमेशा आपको एक तरह से देखा जाए तो होंडा की जैसे जो इसकी सर्विस कॉस्ट है। हाँ जी, ये मॉडल ऊपर है। अच्छा। इन द सेंस इसके जो फीचर्स हैं ओके वो होंडा सिटी से ऊपर है क्योंकि ये उससे प्रीमियम गाड़ी है। ठीक है, लेकिन ये मॉडल जो है ये हमारे पास 2010 का खड़ा है। 10 है पेट्रोल, जी मॉडल है ये, इसका वेरियंट होता है जी एंड दिस इज HR नंबर, सिंगल ओनर कार। पैसे वैसे बहुत सस्ती है ये। बहुत सस्ती है आप थोड़ा। अच्छा, बहुत सस्ती है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गाड़ी अंडर 4 लाख आ जाती है। हाँ जी, ये देखा बहुत सस्ती, फिर यही होता है। अब कितने चार में दे दिए, अगर लेके आ रहा हूँ बजट तो कितने पैसे बचा लूँगा? ये आप बहुत काफ़ी, आप 75,000 रुपये बचा दूंगा, 3,25,000 रुपये की गाड़ी। 3,25,000 की आपको मिल जाएगी, उसमें भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर देंगे जब आप विजिट करेंगे ऑटो एम्पायर पे और बताएंगे कि आप वीडियो देख के आए, माई कंट्री मैरिट के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको बेस्ट से बेस्ट डील देने की कोशिश करेंगे ये। तो अब चलते हैं आगे। यार ये गाड़ी मेरी फेवरेट होने वाली है, ये वाकई कंपनी जा चुकी है प्रशांत भाई, बट ये गाड़ी आज भी खड़ी है मार्केट में। ये एक तरह से ये हमारे जो यंगस्टर्स की गाड़ी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपनी तब सनरूफ लेके आई थी जब आज प्रीमियम गाड़ी में मिलता है। बिल्कुल ठीक बात करी, ये गाड़ी वाकई तब भी उतनी लोडेड थी और आज भी, भले ही मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी भले ही बंद है बट ये गाड़ी आज भी हिट ही है। ये फ्लॉप नहीं है गाड़ी, है क्रूज, जिसका बजट एक है उसके लिए अपने में एक लग्जरी गाड़ी है जिसमें फीचर्स हैं, इंटीरियर अच्छा है इसका, ये डीजल में है। ओके, दिस इज 2011 मॉडल, 11 मॉडल LTZ इसको कहते हैं, मैनुअल में। ठीक है, विद सनरूफ, जिसको सनरूफ से प्यार है और वो प्रीमियम गाड़ी नहीं ले सकता, वो उसकी डिमांड होती है, भैया मेरे को सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, मुझे छत खोल के चलनी है, कन्वर्ट तो नहीं कर सकता, तो मजा ही आ जाए भाई। सही कह रहे हैं, बहुत सही मौसम हो रहा है। अब ये 2011 मॉडल है ये, और इसके पैसे अब यार ये थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। सस्ती ही है, कितनी सस्ती? 11 है, ये ऑल्टिस 10 थी, ये भी सेम रेट की 3,25,000। लो जी, 3,25,000 में क्रूज का ऑप्शन भी मिल गया, वो भी सनरूफ वाली, मौसम हो बढ़िया, अपने पकोड़े खाने जाने हैं, सनरूफ वाली गाड़ी लेके जाओ और पैसे ज़्यादा भी नहीं देने। ये डीजल है लेकिन गाड़ी, डीजल ये है डीजल में। तो अब सेडान में क्या कर रहे हैं हम? सेडान में और खड़ी है हमारे पास, पीछे वेंटो खड़ी है। आओ फिर पीछे चलते हैं, आइए। अच्छा, मेरे को दूर से ये वेंटो की जगह पोलो लग रही थी, आगे से सेम है। हैं? सेम है बिल्कुल। अच्छा, ये वॉल्सवैगन की गाड़ियाँ कितनी रिलायबल होती हैं ऐसे? सर वॉल्सवैगन जो है आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। अच्छा जी, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट BMW भी वॉल्सवैगन में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बड़े बड़े कंपनी इसमें, 17-18 ब्रांड्स वॉल्सवैगन के अंदर आते हैं। और बताओ, ये बिगेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की वॉल्सवैगन। अब ये क्या मॉडल है? ये है 2011 डीजल कम्फर्ट लाइन। हाँ जी, सिंगल ओनर HR नंबर है गाड़ी। ओके, डीजल में है और गाड़ी अच्छी है, इसके अंदर सीट कवर्स भी एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, आफ्टर मार्केट रेड एंड ब्लैक इंटीरियर कर रखा है। ठीक है, मतलब अच्छी गाड़ी है ये, जिसको डीजल में एक परफॉर्मेंस वाइज चाहिए और बहुत लोगों को पोलो से प्यार है बहुत, और ये गाड़ी भी बिकती है, काफ़ी बिकती है डीजल के अंदर। ये एवरेज क्या दे देगी ले ली तो? ये सर एवरेज आपको 13-14 की देगी सिटी में, 13-14। क्या ये आएगी क्रूज के बजट में? ये क्रूज से थोड़े कम में ही दे दूँगा। अच्छा, और कम होंगे, ये अच्छी बात है, मतलब 3,25,000 से नीचे होने वाले हैं। अब देखते हैं क्या 25 घटेंगे या 25 से, क्या बोल रहे हो? नहीं घटेंगे घटेंगे, मैं कहता हूँ बल्कि 50,000 घटा दो आप, 2,75,000। ये बहुत अच्छी डील कर दी भाई, 2,75,000 रुपये की, जो लोग चाहते हैं दिस इज मतलब सेमी प्रीमियम कह लूँ, मतलब ये या सेमी प्रीमियम है क्योंकि डीजल के अंदर आपके पास ऑप्शन जो है क्रूज है, वॉक्सवैगन है, ओके, वेंटो है, रैपिड है, ये गाड़ियाँ आती हैं। बहुत बढ़िया, पेट्रोल में तो होंडा सिटी होगी, सियाज होगी, ऑल्टिस होगी, ये चलती ही चलती हैं भाई, डीजल पसंद है उसके लिए गाड़ी है। 2,75,000 की कर दी इसकी डील, तो ये तो है ज़बरदस्त। अब चलते हैं आगे। अब जिस गाड़ी के पास मैं आपको लेके आया हूँ ना, अब ये बिल्कुल वो वाली कहावत है कि जिसने शोले पिक्चर देखी है ना और जो ठाकुर को जानता है, बस ठीक उसी तरीके से इंडिया में लोग इस गाड़ी को जानते हैं। ये बहुत परफेक्ट गाड़ी है, ये सर नंबर 1 कार है, नंबर 1 है ना हमारी सेलिंग में, मारुति को बनाने वाली यही गाड़ी है। बहुत सही है, और दिस इज डिजायर 2016 यस, वेरी गुड सर, न्यू कार ऑलमोस्ट। ओके, VXI प्लस CNG लगी हुई है, CNG ऑन पेपर है। बहुत बढ़िया, मतलब वो यू कह रहे हो कि वो जो सिलेंडर भरवा के जो चलाते जाते हैं वो वाला सीन है इसमें, बस भराओ और चलते जाओ, बहुत ऊबर बन जाओ। बहुत सही है,
बहुत सही है। ये मॉडल 16 है, इसके ड्रिवन का आइडिया दे दोगे? ये 54,000 चली है। ठीक है, और सिंगल ओनर है, ये एचआर नंबर है। एचआर नंबर है, एचआर नंबर की गाड़ी है, और गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह ही है। यार इसके पैसे तो गैस भी नहीं पाएगा, इसमें तो कोई सीएनजी के पैसे तो नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो भी किट महंगी आती है। हाँ, वो 35,000 की किट आती है। बाहर से लगी हुई है जो किट? हाँ, बाहर से लगी है, बट है कंपनी फिटेड। ओके, ऑन पेपर है? ऑन पेपर है, तो बिल्कुल जायज जो किट आती है ओरिजिनल वही लगी हुई है इसके। तो फिर जायज पैसे बताओ इसके। सर इसके जो आस्किंग है वो है 5 लाख रुपीज। 5 लाख बट किट विद एवरीथिंग, और गाड़ी बिल्कुल नई की तरह है ये गाड़ी। भाई बहुत बढ़िया डील लगी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है सीएनजी गाड़ी का, लोग पूछते रहते हैं, तो ये वन ऑफ द सीएनजी कार है जो आप ले सकते हैं। और मॉडल ऊंचा ही है, इट्स नॉट लाइक ये 12 मॉडल है 13 मॉडल, 16 इज लाइक वेरी ऊंचा मॉडल, ऑलमोस्ट लाइक न्यू, तो ये आप डील कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे। अब ये SX4 बिल्कुल, यानी SX4। अच्छा, इसकी क्या मतलब क्या वैल्यू है इस गाड़ी की, मुझे समझाओ पहले आप। सर इसमें क्या है कि ये पहले आती थी, ये गाड़ी कंपनी ने कर दी है बंद। अच्छा, लेकिन इसमें जो इंजन होता था वही इंजन डिजायर में भी आता है। ओके ओके, बट आज की डेट में अगर आप जाओगे तो 2014 VDI है ये। हाँ जी, दिल्ली नंबर की कार है। और अगर आप प्राइस रेंज में जाओगे तो सेम 2014 के डिजायर लोगे तो आपको उससे 50,000 महंगी मिलेगी। अच्छा जी, तो जिस बंदे को मारुति का ब्रांड का ट्रस्ट हो, हाँ, और उसको कंफर्ट भी वही चाहिए हो, सेडान भी चाहिए हो, हाँ, तो वो डिजायर में अपने 50,000 रुपये बचा सकता है, और वो ये गाड़ी ले सकता है 14 मॉडल के हिसाब से। ये ओनली 3,85,000 की है। 14 मॉडल है, सिंगल ओनर VDI, डीजल है गाड़ी, डीजल में है गाड़ी, तो इसकी डील भी है ज़बरदस्त। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको वो गाड़ी जो जिसे कहते हैं ना करण जौहर के जो शो में कहते हैं रैपिड फायर राउंड, रैपिड, ये बिल्कुल वही वाली बातचीत है भाई, ये रैपिड ही है गाड़ी, देख लो, यानी बिल्कुल रैपिड है ये। वैसे एक बात है, ये गाड़ियाँ स्कोडा की गाड़ी है, अंदर से ये बहुत लग्जरी देती है, लग्जरी देती हैं, और ये मॉडल भी एलिगेंस है, एलिगेंस डीजल में टॉप मॉडल आता है। अच्छा, मैनुअल के अंदर, ठीक है, सिंगल ओनर 2014 गाड़ी है। अच्छा, 67,000 चली हुई है। ठीक है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है। ओके, और गाड़ी इसकी अच्छी बात यह है कि स्कोडा की गाड़ियाँ एवरेज बहुत अच्छा देती है, मोर देन 18-20 देती है बिल्कुल। इसके पैसे ये अंडर 5 लाख आएगी? 14 मॉडल है, मैं आपको अंडर 5 लाख करवा दूँ। करवा दोगे? ये बहुत अच्छी बात है भाई, करवा देंगे तो करवा कितने दोगे? मैं आपको सिर्फ 4,70,000 की दे दूँ। 470 की मिल जाएगी रैपिड, 14 मॉडल है, डीजल ये गाड़ी है, और फुली ही लोडेड है, अंदर फीचर्स हैं सारे, बहुत कुछ, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, एयर बैग्स, ABS, EBD सब कुछ, लेदर अपहोल्स्ट्री सब कुछ कंपनी फिटेड है। मतलब ये कह रहे हो कि डीजल भरवाओगे और गाड़ी चलाओगे और एवरेज भी अच्छी पाओगे? एवरेज बताओ फिर। 18 प्लस की एवरेज है इसकी। देखो वादा चाहिए फिर? डेफिनेटली, क्योंकि अगर एवरेज देखिए पकड़ लूंगा आपको। 100% देती है ये, देती है, इसकी एवरेज की ही गेम है, गेम है, 18 की एवरेज देती है स्कोडा की गाड़ियाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, इनकी जरा एक बार मेंटेनेंस का ही बता दो, जैसे मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग सोचते हैं। देखिए स्कोडा, लोग कहते हैं जी स्कोडा हो गया, वेंटो हो गया, इनकी थोड़ी, अब हर हमारे यहाँ पे क्या कि हर चीज़ को मारुति से कंपेयर किया जाता है। ओके, पर जिन लोगों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है कि यार हर घर में एक आपको होंडा मारुति ये सब गाड़ियाँ तो मिलती है, लेकिन कईयों का टेस्ट अलग होता है। हाँ जी, क्या मेरे पास थोड़ा कुछ डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो स्कोडा, वॉक्सवैगन इन गाड़ियों पे भी जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग लेते हैं। इसमें जो ये है कि कंपनी के जो जैसे सर्विस कॉस्ट है, हाँ जी, लोग कंपेयर करते हैं कि मारुति से जी महंगे है, तो सबको लगता है कि भाई महंगे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे क्योंकि हर एक के कंपैरिजन मारुति से ही करते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो आफ्टर मार्केट जो अभी लेता है उसको अगर आप डीजल गाड़ी आप इसके अंदर चाहे कोई और भी गाड़ी लोगे डीजल की, ठीक है, उसकी सर्विस कॉस्ट 7-8,000 के अंदर आ जाती है, कोई ज़्यादा है नहीं। मतलब ज़्यादा भी अगर मैं कहूँ तो अंडर 10 कर दूँ मैं इसे? डेफिनेटली अंडर 10 कर दूँ, 7-8 में ही हो जाता है। 7-8 में हो जाती है सर्विस। और जितनी भी हम गाड़ियाँ आज दिखाएंगे, आपको पता है सब्सक्राइबर पैन इंडिया है जी, डेफिनेटली है, तो NOC का तो बताना बोल रहा है, NOC ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। ठीक है, हम आपको दे देंगे। और जिन लोगों को अगर लगता है कि NOC नहीं लेना और यही नंबर भी रिटेन करना है, हाँ, तो इसी नंबर पे भी आपको ट्रांसफर करवा देंगे, RC भी आपके नाम आ जाएगी, उसमें आपके दो पैसे खर्चे बच जाएगा, हेल्प करवा देंगे डेफिनेटली। बहुत बढ़िया बात लगी। तो अब क्या कह रहे हो, सेडान हो रहे हैं क्या, हैचबैक पे जाएंगे आप? अब हैचबैक आपको शुरू कराते हैं। चलो लेट्स डू अ हैचबैक, और मिलता हूँ मैं आपको सीधा हैचबैक पे। ओके प्रशांत भाई, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी सेडान की डील दिलवा दी इतने अच्छे मौसम में, अब हैचबैक का भी करवाओ। हैचबैक सर सबको एक छोटी गाड़ी घर पे चाहिए। बंदा सेडान ले ले, SUV ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन एक छोटी गाड़ी हर एक के घर में आपको मिलेगी बिल्कुल। उसमें भी हमारे पास आज काफ़ी अच्छी रेंज खड़ी है। ठीक है, और शुरुआत करते हैं रिट्स से। अब इसकी आप प्रोफाइल देखो पहले आप अच्छे तरीके से मिस्टर व्यास। गाड़ी है ये? अच्छा ओरिजिनल गाड़ी है, नो आफ्टर मार्केट फिटिंग, नथिंग,
मतलब पेंट वाइज भी अनटच गाड़ी है, जैसे आई है वैसी की वैसी हमने वैसी की वैसी खड़ी कर दी है। इसकी जो छत है वो टेप करवाई है? टेप कराई हुई है। आजकल आपको पता है लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में देते हैं, तो रूफ टेपिंग आजकल आपको बहुत गाड़ियों में मिलेगी। सही बात है यार, मैं भी सोच रहा हूँ अपनी जैगवार करवाई लूँ टेप। एक राउंड चला देना। ये चलेंगे फिर साथ, चलोगे लद्दाख? चलोगे? डेफिनेटली। चलो भाई को लद्दाख लेके चलेंगे अपने साथ। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल बताओ कि ये जो है ये क्या मॉडल है गाड़ी? ये 2016 मॉडल है। 16 मॉडल है, ठीक है। LXi वेरिएंट है। अच्छा, और ये गाड़ी सिर्फ 34,000 चली गई विद सर्विस रिपोर्ट। वेरी गुड जी। लेस ड्रिवन है, मतलब बहुत लेस ड्रिवन है, ठीक है। साउंडलेस इंजन है। गाड़ी जो आएगा, जिसने पहली बार इसको टेस्ट ड्राइव किया उस गाड़ी को छोड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस अंडर 5,000 हो जाती होगी? इजीली हो जाएगी। अगर बाहर से कराओगे तो अंडर 3,000 हो जाएगी। इसकी एक बार एवरेज क्या बताओ, क्योंकि ये मारुति का प्रोडक्ट है, तो क्या ये निकाल देगी 20 के आसपास? देखो 20 तो थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं, ठीक है। फिर भी तो यहाँ ट्रैफिक इतना है, यहाँ पे आपको 15-16 की सिटी में एवरेज मिल जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत है। यही गाड़ी आप थोड़ा सा बाहर ले जाओ हाईवे पे तो 20-21 दे देगी। वेरी गुड। अब ये दिल्ली नंबर गाड़ी है? ये है दिल्ली नंबर गाड़ी, सिंगल ओनर। तो यार इसके पैसे? 16 मॉडल है। अच्छा, ये नई एनी आइडिया आती है? अब नहीं आती है। हाँ, इस अभी डिस्कॉन्टिन्यू हो गया, लेकिन ये अभी भी बहुत लोगों की फेवरेट है। 5 लाख में आ जाएगी? उससे कम में आ जाएगी मेरे भाई, 5 लाख की तो नहीं। ये मैं आपको दे दूंगा। मुझे लगा कह रहे 5 लाख की तो नहीं भाई, ये 6 लाख की होने वाली है। ऐसा नहीं, तो हैचबैक है तो सेडान के रेट में तो मत जाओ। बहुत सही है, वरना बंदा सियाज नहीं ले लेगा। बिल्कुल ठीक का। नहीं, इसको हम दे देंगे ओनली 3,80,000। 380 की, तो यानी अगर आपकी पॉकेट में आई गेस 4 लाख और 5 लाख पड़े हैं, तो ऑटो एम्पायर हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर यू गाइस। डेफिनेटली, यानी बिल्कुल। अब चलते हैं पीछे, क्योंकि पीछे गाड़ी खड़ी हुई है। जब मैं यहाँ पे आया ऑटो एम्पायर पे, तो मैंने जाना कि यार ये ऑटोमेटिक गाड़ी भी हो सकती है, छोटी में ऑटोमेटिक, छोटी यार। ये पता है, ये बहुत दिल खुश कर रही है मेरा। अब देखो, अब आप कह रहे हो यार मेरे बस की क्लच वाली सरकपाई, ठीक है, मुझे ऐसी गाड़ी दिलवाओ हैचबैक में जो सस्ती भी हो, सस्ती भी हो और ऑटोमेटिक हो, सेडान के मदद दे और अंदर से ऑटोमेटिक हो, और ये तो कहीं भी निकल जाए। बहुत सही है। अब इसका नाम बताओ और इसकी पूरी डिटेल बताओ आप। ये 2014, अच्छा, पेट्रोल स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक गाड़ी है, i10 Grand। ओके, पुश बटन स्टार्ट, वेरी गुड, एयर बैग, इसमें मतलब सारे टॉप लोडेड फीचर्स हैं। ये हैचबैक लग्जरी है भाई, अंदर से लग्जरी है। और ये एक बार आपने इसको ऑटोमेटिक में डाल दिया, हाँ जी, तो आपको पता नहीं लगेगा अगर आप गुड़गांव से अब दिल्ली जाओगे ना, हाँ, कब पहुंच जाओगे बिना थकावट के, आपको पता भी नहीं लगेगा। यार ऑटोमेटिक गाड़ी ना सबसे बढ़िया होती है, और अगर हैचबैक में अगर आपको ऑटोमेटिक मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। छत इसकी करवा रखी है, टेपिंग करा रखी है जो कस्टमर ने, ठीक है। थोड़ा आजकल आपको पता है ट्रेंड जो चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, हमने भी करवाना है ये वाला ट्रेंड। अब ये गाड़ी कितनी ड्रिवन होगी अप्रॉक्स? ये गाड़ी ड्रिवन है 57,000 चली हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये भी कंपनी फिटेड CNG के साथ है। यार ये मत कहो, CNG गाड़ी है? CNG है, मतलब कंपनी ने लगा के दिए, बाहर से लगवाई है? बाहर से लगवाई है, बट CNG ऑन पेपर है। ऑन पेपर है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ियों की थोड़ी सी क्या है कि एवरेज कम होती है, तो जिस कस्टमर के पास थी उसने इस पर CNG लगवा रखी थी, तो इसकी एवरेज तो होगी डबल। ये भाई, ये बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है भाई ऑटो एम्पायर का, मैं तो ये कह रहा हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी है, CNG भी है, ठीक है, और अंदर से बहुत सारी, इवन इनफैक्ट पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी, पुश बटन स्टार्ट, टॉप मॉडल आती है। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके पैसे गैस भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर लगाए हुए हैं CNG जो ऑन पेपर है। जी। 5 के अंदर आ सकती है? डेफिनेटली 5 के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये अच्छी डील हो सकती है। अब 5 के अंदर आएगी तो कितने पैसे बचेंगे? 5 में काफ़ी बच जाएंगे अभी, और काफ़ी बच जाएंगे, और चलो तो मैं कह रहा हूँ फिर मैं 50 और नीचे लेके आता हूँ। 50, 4.5 हो गए, हो रहा हूँ 4.5 से थोड़ा बहुत और आ जाओ नीचे, कोई बात तो 20 और कर देता हूँ कम, उस 4,30 हाँ, मैं 20,000 और कम कर देता हूँ। अब यार 4,10,000 मतलब निपटाओ यार, 4,10,000 और ले जाओ गाड़ी को, और गाड़ी को चलाओ। और गाड़ी भाई अगर CNG अगर आपको मिल जाए ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि CNG लोग बहुत सारे, काफ़ी लोग सिटी के लिए, दिल्ली गुड़गांव के लिए खासकर, जहाँ ट्रैफिक लंबा लगता है, हाँ जी, वरना एक्चुअली में बहुत गैस लगती है, बहुत पेट्रोल लगता है यार। सीरियसली हमसे पूछो ना, हम कितना पेट्रोल फूकते दिन का। चलो इसकी डील होगी बहुत बढ़िया। अब इसी ब्रांड की, हम इसके यूँ कह सकते हो कि ये छोटा ब्रदर है फैमिली का उस ब्रांड की। अब बड़े भाई के पास चलते हैं, लेट्स डू i20 है, इज इट मैगना? नो, फिर दिस इज स्पोर्ट्स। अच्छा, लाइफ में स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स नहीं है तो फिर लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है अगर स्पोर्ट्स नहीं हुआ तो, और गाड़ी भी स्पोर्ट्स ही चलेगी। इसकी डिटेल बताओ।
सर ये 2016 मॉडल है। अच्छा 16 है, ओके। ये ऊंचा मॉडल है, ठीक है। डेली नंबर है, हाँ। 54,000 चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है। सिंगल ओनर कार है और ये स्पोर्ट्स डीजल के अंदर आती है, इसकी एवरेज भी अच्छी है। आइडिया एक बार इसकी एवरेज आपको देगी अराउंड 18-19 आराम से सिटी के अंदर। पक्का? हाँ, 20 अबव हाईवे कंफर्म। इसकी क्या लोडिंग्स है वैसे इस गाड़ी की? सर इसमें वही है, इसके अंदर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एयर बैग मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें लेदर अपहोस्ट्री जो है कंपनी फिटेड इसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो इस गाड़ी को मैग्ना से आप करोगे तो एक स्टेप ऊपर है। इससे ऊपर एक और मॉडल आता है, वो आता है एस्टा, वो टॉप मॉडल आता है, एयर बैग ज़्यादा होते हैं, अलॉय होते हैं उसके अंदर। हाँ, उसमें थोड़े फीचर ज़्यादा होते हैं। ये गाड़ी कंपनी मेंटेन लग रही है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल थॉरली मेंटेन है। नई गाड़ी है 2016 तो अब देखते हैं कि क्या यार i20 के 5 लाख में i20 आ जाएगी। सर ये 16 मॉडल है, ये थोड़ी मुश्किल है क्योंकि ये आजकल हैचबैक भी कंपनियों ने महंगे कर दिए। चलो ठीक है, ये गाड़ी 875-890 की तो ऑन रोड है। अच्छा जी, 6 लाख पकड़ो बस, 6 लाख की है, बिंगो। अच्छा हो गया, अरे कांग्रेट हो गया भाई, 6 लाख की डील कर दिया, बिंगो कर दिया, बट फिर भी नेगोशिएट कर लेंगे आपके लिए, थोड़ा बहुत रिगार्ड जरूर करेंगे। आप माई कंट्री मैरिट के सब्सक्राइबर हैं, आपने लाल बटन दबाया हुआ है, आप ऑटो एम्पायर आते हैं तो आपको इज्जत मिलेगी पक्की और गाड़ी दे के बेचेंगे, क्योंकि ये डील करते हैं बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में। तो अब करते हैं उधर, यार ये गाड़ी मैं वही बता रहा हूँ, ये भी फिर वही गाड़ी है, वो जो पिक्चरों में कहते हैं ना कि वो बसंती को सब जानते हैं, तो हाँ। ये बसंती है गाड़ी होगी ये, बिल्कुल सब जानते अभी हैं। आपको डिजायर दिखाई दी सेडान में, अभी हर घर की गाड़ी है स्विफ्ट। ये बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत भाई ने, ये वाकई हर घर की गाड़ी होती है। अगर आप गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हो, एक आप मिडिल क्लास फैमिली के हो जैसे हम सब हैं, आप एक बार गाड़ी की चाह रखते हो, तो ये गाड़ी आपकी लिस्ट में, ये पहली गाड़ी हर एक बंदे की फर्स्ट चॉइस है। बहुत सही है, इसकी डिटेल बताएं थोड़ी। ये 2015 गाड़ी है। अच्छा 15 है ये। हाँ, और ये पेट्रोल में है, ठीक है। दिस इज LXi मॉडल है ये, ठीक है। लेकिन बंदे ने थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करके अपने हिसाब से फीचर ऐड करके, जैसे मतलब जैसे थोड़ा सा इसके अंदर सीट कवर लगवा दिए, आफ्टर मार्केट है वो छोटा, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत और सामान लगा के, और प्लस पीछे जो बैज है वो LXi हटा के उसने VX से लगा दिया ताकि अपने आप को। अच्छा फील, ये देखो कितनी सच्चाई वाली बात बताई कि जिस किस क्लाइंट के पास ये गाड़ी थी उन्होंने वो बैचिंग उसको LXi को VXi कर दिया। होता है ना कि भाई दुनिया में तो LXi है, LXi पैसे आपसे LXi के लेने हैं। ये सही है। ये एवरेज कितनी देती होगी? ये एवरेज अच्छी देती है भैया, ये तो आपको पता ही है 16-17 एज पर योर ड्राइविंग कंडीशन, ठीक है, इतनी देती है सिटी में। अभी मॉडल ऊंचा है, मॉडल ऊंचा है, और ये गाड़ियां ऐसी है कि इनकी आपको पता है रीसेल भी अच्छी है मार्केट में। ड्रिवन भी बता दो एक बार। ये चली हुई है 61,000 चली हुई है, सिंगल ओनर कार है। दिल्ली नंबर है ये, HR नंबर है, HR नंबर है गाड़ी थी। यार इसके पे i20 ये 16 है, 16 ये 15 थी, ये 16 है, 16 6 लाख की थी, ये 15 16 सॉरी। अच्छा ये 15 है और ये 16 है, एक साल नीचे आ गए इसके 6 लाख तक। क्या ये 5 में आ जाएगी? 5 से काफ़ी कम में आ जाएगी, काफ़ी कम। पेट्रोल है वो डीजल गाड़ियाँ थोड़ी महंगी आती है। जब आप कहते हो ना कि काफ़ी कम, तो मेरे को ना 50,000 नीचे आने का मन करता है। आ जाऊँ 4.5 पे? आ जाऊँ वहीं, आ जाओ जहाँ मैं पहले गया था, 4-10 पे तो नहीं आ जाऊँ? हाँ। अरे बहुत बढ़िया बात है, देखो आपको काफ़ी सारे बजट में, आपको मैं बता रहा हूँ, आई थिंक अगर कोई गाड़ियों के लिए बजट लेके आ रहा है, अगर 5 लाख भी पॉकेट में पड़े हैं तो ही कैन गेट अ गुड कार, ऊंचा मॉडल, मिल कम चली गाड़ी आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी अगले 4-5 साल आप आराम से उस गाड़ी को यूज कर सकते हो, और जिन गाड़ियों के मेंटेनेंस ही कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताई भाई, तो अब चलते हैं आगे। अब फिर वही बात, अभी हमने आपको दिखाया था एक भाई, अब उसकी बहन देख लो जो कंपनी जा चुकी है, ये बीट कर देगी किसी को। ये बीट जिस प्राइस पे मिलती है, हाँ, फिर कोई इसको उस पे बीट नहीं, उस पे बीट नहीं, इसका क्यों, इसका नाम ही बीट है भाई। ब्लैक कलर में अच्छी लग रही है गाड़ी, थोड़ी सी डिटेल बताएं। ये 2012 मॉडल है, अच्छा, डीजल LT मॉडल है इसका वेरिएंट, ठीक है, सिंगल ओनर कार है। इस गाड़ी की एक खासियत है कि इसकी एवरेज अच्छी है, इसकी डीजल के अंदर मैंने बहुत सुना है इसकी एवरेज के बारे में, है डेफिनेटली, मैंने भी सुना था, हाँ। और बीट चलाई थी, लेकिन मैंने जब गाड़ी ली, मैंने इसको 2 दिन चलाया, अच्छा टेस्ट किया, 500 का तेल मेरा खत्म नहीं हुआ अभी। यार हमारे तो 500 के ऐसे उड़ जाते हैं तेल, इसके खत्म नहीं होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो मतलब 20+ है एवरेज की, 18-20 है ये, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें बेसिक फीचर, वैसे बेसिक फीचर इसके आपको कोई खास नहीं है, लेकिन इनबिल्ट सिस्टम मिलता है इसका, पावर विंडो तो फोर्ड, पावर विंडो आगे की 2 मिलेंगी। अच्छा, आगे की 2 मॉडल है, ठीक है, की हैंड फोल्डिंग है, ठीक है, बट अदरवाइज कंफर्ट पूरा है। चलाओगे तो आपको, मतलब मेन बात यह है कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक अच्छी गाड़ी है, जिसका बजट कम है तो वो इस गाड़ी को आराम से यूज कर सकता है। कहते हैं शेवलेट के पार्ट्स मिलना काफी थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा इनफैक्ट शेवलेट की सर्विस तो अभी भी कंपनी करती है, कंपनी ने सिर्फ सेल्स बंद करी है, ना कि सर्विस अभी भी है, ठीक है। प्लस इसकी आफ्टर मार्केट में सामान आपको हर, जैसे आप
गो मैकेनिक जाते हो वहाँ पे पता कर लो, वहाँ भी मिल जाएगा। अच्छा मिल जाएगा, शाउट आउट टू गो मैकेनिक हो गया ये तो, ये बहुत बढ़िया बात। प्रशांत भाई हमारे रेगुलर फॉलोअर है, ये सारी वीडियो देखते हैं या नहीं? देखता ही हूँ, बहुत पहले से देखता हूँ। अब इसकी पैसे बताओ यार, ये एक कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से है जिसके मतलब पॉकेट पे ज़्यादा पैसे भी ना हो, एक उसके पास गाड़ी भी आ जाए। आजकल लाख रुपए की तो बाइक हो गई है, तो ये गाड़ी हम ऐसे प्राइस पे देना चाहते हैं कि अगला भी खुश हो। अंडर 2 लाख दे देंगे ये गाड़ी। 1.5 लाख 175 की दे। ओवर बताओ यार, 175 बोल रहे हैं, आओगे ना कर देंगे कुछ छोटा मोटा रिकॉर्ड कर देंगे। इसमें इंश्योरेंस भी है, सिंगल ओनर है। अच्छा इंश्योर्ड भी गाड़ी? गाड़ी इंश्योरेंस भी है। बहुत बढ़िया बात बताई। तो अब चलते हैं दोबारा से हम करने एक गाड़ी जो हैचबैक में बची हुई है, तो सीधा मिलता हूँ उस गाड़ी के पास। ओके तो अब आ चुके हैं हैचबैक कैटेगरी की फाइनल गाड़ी पे, जो कि है दोबारा से i20। वो वाली जो हमने देखी थी वो एलीट थी, उससे एक मॉडल पहला है। अच्छा और खैर i20 तो इससे पहले भी एक शेप आती थी, ये सेकंड शेप, वो थर्ड शेप है। अच्छा वो थर्ड शेप थी, ओके। लेकिन i20 तो जब से आई है तब से हिट गाड़ी है। बहुत सही बात है भाई, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गाड़ी है इंडिया के अंदर। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं। ये वो डीजल थी हमारे पास एलीट में, अब किसी को पेट्रोल पसंद है सिटी ड्राइव के लिए, तो ये पेट्रोल का एस्टा टॉप मॉडल है। अच्छा फिर एस्टा पे आ गए हम। हाँ जी, ये एस्टा पुश बटन स्टार्ट, ओके, एयरबैग्स, मैक्सिमम जो टॉप मॉडल आता है सारे फीचर्स लोडेड है इसके अंदर। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल, ABS, ECG, मतलब टॉप एंड गाड़ी है ये पेट्रोल के अंदर। बहुत बढ़िया बात है। और क्या कह रहे हो, ये वैसे i20 अगर कोई भी लो, एलीट लो या जो मर्जी लो, एवरेज तो सेम ही देगी, या पेट्रोल और डीजल में फ़र्क होगा? थोड़ा सा फ़र्क रहता है। देखो डीजल गाड़ियाँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर देती हैं। अच्छा, इन कंपैरिजन टू यू नो योर एवरेज, ओके। बट ये भी एक सिटी के लिए बहुत अच्छी गाड़ी, जिसको आप स्विफ्ट, जो स्विफ्ट नहीं लेता वो i20 लेता है। अच्छा, यही दो गाड़ियाँ हैं जो एक मैक्सिमम बिकती भी हैं, रीसेल में भी आती हैं और सबकी चॉइस भी है। ये मॉडल क्या, कौन से ईयर का मॉडल है? 2013 एस्टा टॉप मॉडल है, पुश बटन स्टार्ट है ये गाड़ी, ठीक है। सिंगल ओनर कार है, HR नंबर है, ओके। ये देखो टॉप मॉडल है, तो एस्टा ए बी एस यहाँ मेंशन भी है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ये वाला जाली नहीं है ना? नहीं नहीं, VXI अलग है, ये असली है भाई। तो इसके पैसे बताओ, ये थोड़ी सस्ती आनी चाहिए। ये ऑफ कोर्स उससे तो काफ़ी सस्ती है, 4 के अंडर आएगी है? 4 के अंडर तो 3.5 में आ जाएगी ये आपको। 3,60,000 की मेरी आस्किंग है। लो जी, आस्किंग है मतलब ये समझ लो कि आप जब टेबल पे आओगे तो आपके लिए कुछ से कुछ रिगार्ड कर देंगे, बट अभी जो इसका प्राइस है ऑन वीडियो दैट इज़ 3,60,000 नेगोशिएबल ऑन टेबल। तो अब मैं दिखाता हूँ वो गाड़ियाँ बेसिकली, या वो गाड़ी जो हमारी आखिरी आज बची हुई है स्टॉक की, वो क्रिएटिविटी है क्योंकि उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, दिस इज़ अ क्रेटा। अब ये बेसिकली गाड़ी उन भाइयों के लिए होने वाली है जो हमारे व्यूवर्स देखते हैं उड़ीसा से साउथ से कहीं से भी, जहाँ से ओ भाई, ये उड़ीसा साउथ से चक्की है गाड़ी आप सब भाइयों के लिए। नंबर की टेंशन ही नहीं है, कोई NOC की दिक्कत नहीं है, कोई सीधा आओ गाड़ी ले जाओ, बस ले जाना, टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। नंबर भी वही है। अब इसकी डिटेल बताओ, ये मुझे नई सी लग रही है। ये बिल्कुल एक्चुअली मेरे कस्टमर के थ्रू हमने ली है, जिनकी यहाँ पे जॉब थी, फिर वो यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, तो गाड़ी उनको हमें देनी पड़ी यहाँ पे, ओके। बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, जिसको कहते हैं 2018 मॉडल है। अच्छा, पेट्रोल वर्जन है, E+ मॉडल है। E+ है ये? हाँ, ये एक बेसिक से ऊपर वाला आता है, लेकिन इसमें फीचर्स सारे होते हैं, आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एयरबैग भी मिल जाएगा, ओके, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी ये हार्डली यूज्ड है, सबसे अच्छी बात है कि ये गाड़ी सिर्फ चली है 550 किलोमीटर, तो ये चली कुछ नहीं। अब ये शॉकिंग है, ऐसी गाड़ी आपने आज तक कवर नहीं करी होगी यार। मैं कह रहा हूँ अभी लोग ना काफ़ी ये भी सवाल करते हैं, ये मॉडल है सन 2018 मॉडल है, सम पीपल टॉक अबाउट कि यार 500 किलोमीटर कैसे चल सकती है गाड़ी, ये तो मीटर टेम्परिंग है। नहीं नहीं नहीं, अब इसका थोड़ा आंसर दीजिए। मैं बताता हूँ क्या होता है, कई बार क्या होता है, कस्टमर किसी की जॉब लगी, दूसरे शहर जाना पड़ा, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट से आ गई गाड़ी, ठीक है, तो लोग कई बार यहाँ आ जाते हैं, लेकिन कंपनी भी फिर उनको अपनी तरफ से गाड़ी दे देती है, ओके, कि आप कंपनी ऑफर करती है कि आप हमारी गाड़ी चलाओ, तो उनकी गाड़ी कई बार अनयूज रह जाती है, घर पे रखी है, ठीक है, मे बी वाइफ को उनको ड्राइविंग ना आती हो या बिल्कुल उनकी यूज ही ना हुई हो, फिर उनका कहीं ट्रांसफर हो गया दोबारा। अच्छा, तो ऐसा होता है कई केसेस में, सिचुएशंस होती हैं, लोग गाड़ी ले लेते हैं लेकिन कई बार यूज़ नहीं आती उनको, फिर कंपनी से गाड़ी मिल जाती है तो वो यूज़ करते हैं। ये गाड़ी जब वहाँ से मंगवाई भी गई है तो इसे चलाया नहीं गया, ये ट्रांसपोर्ट के टायर घूमे नहीं है, घूमे ही नहीं, 550 किलोमीटर रहता है, कवर सर्विस रिकॉर्ड है, मतलब सर्विस भी क्या हुई होगी, तो पहले 1,000 किलोमीटर में तो होती है सर्विस। सही बात है भाई, ये गाड़ी भी महंगी आती है प्रशांत भाई, क्या कह रहे हो? महंगी है, और ये गाड़ी जिस सबसे चली हुई है, तो समझो आप बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी ही ले रहे हो, 550 किलोमीटर चली हुई, बिल्कुल ऐसे लगेगा आप बिल्कुल फ्रेश गाड़ी में बैठे, मतलब मेरा तो दिल आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ प्रशांत भाई करें फिर डील, अंदर चल के क्रेटा लेनी है, आप क्या बोल रहे हो?
मैं तो कहता हूँ लो और फिर ओडिशा चलते हैं, वहीं अच्छा वहीं दे देंगे किसी भाई को, किसी सब्सक्राइबर को दे देंगे, मीट भी कर लेंगे, गिव अवे कर देंगे भाई। और बताओ ये कितने की है सर? ये गाड़ी क्योंकि बिल्कुल कम चली है, हाँ जी, तो ये इसकी आस्किंग है 9,70,000। 9,70,000, यही मॉडल ब्रांड न्यू अगर शोरूम से लेने जाना हो तो कितने पैसे अब बच रहे हैं वो भी आइडिया हो जाए। हाँ, इसमें आपका 1,50,000 रुपए बचता है, 1,50,000 सेव हो रहा है, सेम गाड़ी भी मिल रही है। बिल्कुल, आप शोरूम से भी लाओगे तो 150-200 किलोमीटर तो वो भी चली होती है, ठीक है, इतने तो उनके भी टेस्टिंग में चलती है, ठीक है, तो ये भी उसी बराबर ही है, 550 किलोमीटर चली है। तो इसकी जो डिलीवरी वो हुई 9,70,000। तो आज भाई ऑटो एम्पायर पे बहुत मज़ा आया, आज दोबारा से काफ़ी टाइम बाद आए हम, लेकिन जब आए हैं तो प्रशांत भाई काफ़ी सारा स्टॉक लेके आए हैं आप सब भाइयों के लिए। कल भी आपने वीडियो देखी, आज भी देखी, और हम आने वाले टाइम में भी प्रशांत भाई के पास आते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जो रोज ही अपडेट होता रहता है। डेफिनेटली, यानी आता रहता है, और हम कोशिश यही करते हैं कि हर कस्टमर के लिए हर चीज़ लाए। अच्छा, हैचबैक भी होगी, सेडान भी होगी, एसयूवी भी होगी, लग्जरी भी होगी, अगर सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जो आए खाली ना जाए। अपने पास फैसिलिटीज सारी हैं? सारी फैसिलिटीज होंगी, फाइनेंस है, फाइनेंस मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको, और NOC मिल जाएगी, पेपर वर्क आपको कोई भी अपने आपको टेंशन नहीं है, सारा कुछ हम करके देंगे। अच्छा, अगर आपको किसी और स्टेट में भिजवानी है गाड़ी, हाँ जी, तो हम उसके लिए ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कर देंगे। हाँ, बहुत गाड़ियाँ भेजी हमने। अच्छा, यहाँ से सीधा गाड़ी, आप बैंगलोर बैठे हो, केरला बैठे हो, यहाँ पे गुड़गांव में चढ़ती है गाड़ी, हाँ, बहुत गाड़ियाँ लोड करवा के सीधा वहाँ पे एड्रेस पहुँच जाए, मतलब पड़ोस में है लोडिंग ऑफिस, यार यहीं से टकवा देंगे गाड़ी और पहुँचा भी देंगे, या क्या? बहुत बढ़िया बात लगी। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि यार देखो हमारे को ना एक डाउन पेमेंट का भी आइडिया दिया करो। अच्छा अच्छा, कि जैसे फॉर एग्जांपल 5,00,000 की गाड़ी है, जी जी जी, तो क्या कह रहे हो कितने पैसे दे के वो 5,00,000 की गाड़ी फाइनेंस हो सकती है, एक आइडिया दें। सर मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली क्या होता है कि अब कई लोगों का सिबिल स्कोर अच्छा होता है, ठीक है, कईयों का फर्स्ट टाइम फाइनेंस होता है, हाँ जी, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उसका तो 90% तक भी हो जाता है लोन। चलो ठीक है, जैसे किसने पहले लोन लिया उसको टाइमली पेमेंट किया, हाँ, तो उसको बेनिफिट मिलता है, क्रेडिट स्कोर इसकी अच्छी है, हाँ, जो फर्स्ट टाइम ले रहा है उसको मान के चलो 80% के आसपास उसका 80% के आसपास उसका लोन हो जाएगा, पेपर अगर सही है सारे तो। भाई पेपर होने चाहिए, पक्के लोन भी करवा देंगे, अगर पेपर ये कच्चे तो भूल जाना, लोन वोन कहीं से नहीं होगा लोन, ठीक है, नहीं हो पाएगा भाई, मुथूट तो है नहीं। सही है सही है। तो माय कंट्री मैन मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ऑटो एम्पायर पे आगे बहुत मज़ा आया, और आई होप ये ऑटो एम्पायर की सीरीज़ जो हमने 2 दिन चलाई है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को थम्स अप दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को पता लग पाए कि हम कितना अच्छा और बढ़िया स्टॉक दिखाते हैं। तो माय कंट्री मैन मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम थैंक्स वॉचिंग माय कंट्री मैन, सी यू, बाय बाय फ्रॉम ऑटो एम्पायर। और भाई एक बार बाय जरूर कर दें, बाय बाय एवरीवन।